जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकवादी हमला हुआ है, जहां पर एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। हालांकि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच यह एनकाउंटर खत्म हो गया है। सुबह से लेकर अब तक ये चार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने चार आतंकवादियों को मार गिराया है। आज सुबह 5 बजे टोल प्लाजा के पास ये एनकाउंटर शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सभी आतंकवादी ट्रक पर सवार थे और इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के चारों आतंकवादी घुसपैठ करके यहां आए थे और किसी बड़ी साजिश की फिराक में थे। जिस ट्रक में ये सवार होकर आए उससे हथियार भी बरामद हुआ है। हालांकि इस बीच अब जम्मू श्रीनगर हाईवे को भी बंद किया गया। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सुबह 5 बजे ये हमला आतंकवादियों ने किया जम्मू कश्मीर के नगरोटा में, जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया टोल प्लाजा पर। और ये वो ट्रक है जिसमें आतंकवादी सवार होकर आए थे। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। जैश से इनका संबंध बताया जा रहा है। चार ये आतंकवादी, 3 आतंकवादियों के शव बरामद हो गए हैं। सबसे पहले आपको हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने इस हमले को लेकर पूरी जानकारी दी। फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जो है जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद एक एनकाउंटर शुरू हो गया। और अब तक जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि सभी आतंकवादी जो उस ट्रक में छिपे हुए थे उनको ढेर कर दिया गया है। हालांकि आतंकवादियों की संख्या जो है उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमने अपने सूत्रों से बात की और उन्होंने हमें बताया है कि 3 से 4 आतंकवादी हो सकते हैं जिनको अभी तक ढेर कर दिया गया है। 3 का तो हमने अपने सूत्रों से कन्फर्म किया है कि 3 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। और फिलहाल जो है सुरक्षा बल जो है इस तमाम इलाके की जो है छानबीन कर रहे हैं। ये जो आप इलाका यहाँ पर देख सकते हैं जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास है, ये जंगल का इलाका है और यहाँ पर जो है पूरी छानबीन चल रही है। और मीडिया को जो है एनकाउंटर साइट तक जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस समय जो है ऑपरेशन अभी भी जारी है। और सुरक्षा बलों ने कहा है कि फिलहाल ऑपरेशन को बंद नहीं किया गया है, ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा जो है यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पर गाड़ियां जो है अभी फंसी हुई है, इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, यही जो राजमार्ग है ये कश्मीर घाटी को देश के बाकी भागों से जोड़ता है और यहाँ पर कई लोग फंसे हुए भी हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियां रुकी हुई है क्योंकि एनकाउंटर जो है अभी भी जारी है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन हमारे सूत्र में बता रहे हैं कि सभी आतंकवादी जो उस ट्रक में छिपे हुए थे जो कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे उनको ढेर कर दिया गया है और सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। तो नगरोटा में इस हमले को अंजाम दिया गया और नगरोटा अपने आप में वो इलाका है जो जम्मू सिटी और उधमपुर को जो नेशनल हाईवे 44 जोड़ता है वहां पर बसा हुआ है। जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, सुरक्षा बलों को एक बार फिर निशाना बनाया गया, लेकिन क्योंकि ये अपने आप में हाईवे जैसी जगह जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद होते हैं, सुबह का वक्त संख्या कम रही होगी यकीनन, लेकिन जिन लोगों ने इस हमले को देखा उन्होंने क्या बताया, सुनिए। जनाब ये ना कोई 3:30 बजे के करीब हमें फायरिंग की आवाज सुनाई दी तो हम मंदिर ही थे, हमने शटर नहीं खोले वगैरह। हमारा ढाबा है इधर शर्मा जी का वैष्णो ढाबा, तो नीचे हम सोए हुए थे तो आवाजें वगैरह आई, हमने शटर वगैरह नहीं खोले क्योंकि इधर देखे हमने जब सुबह 7 बजे के करीब शटर खोले हैं तो इधर पूरा रोड जाम कर दिया हुआ है, नाका लगा हुआ है पुलिसियों का, मतलब कि पूरा जाम किया हुआ है। किसी को बाइक पे भी नहीं जाने दे रहे हैं, ना कुछ पैदल जाने दे रहे हैं, ना कोई गाड़ी जाने दे रहे हैं। लोकल जो हमारे इधर के लोकल हैं उनको भी उन्होंने घर तक नहीं जाने दिया, जो आगे पीछे गए थे सुबह में वो उनको घर नहीं जाने दिया, सारा इधर पूरा जाम किया हुआ इधर। तो मतलब कितना फायर हुआ जनाब? कोई 4-5 बजे तक फायरिंग चलती रही है, अभी भी कोई आधा घंटा पहले फायरिंग हुई है, वही 5 मिनट ही है खाली मतलब हुई है।